अबे ओए रघु, सो गया? अबे पैक तो बना। जी लुढ़क गए। अरे अनिल जी, अपने दोस्त रघु को समझाइए ना, ये मुंबई क्यों चला जाता है मुझे छोड़कर। इससे बोलो कि यहीं पर रहे मेरे साथ। ए भाई रघु, अबे उठ। अबे यार, इतनी जल्दी लुढ़क गया तू? अरे क्या समझाएं इसको, क्या भाभी, छोड़िए ना इसको। अरे तुम इस देवर के पास बैठो पहले। छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो? क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अच्छा भाई, आज चाचा जी आ रहे हैं भट्टे पर। हाँ तो वहाँ का काम सही चल रहा है ना? अच्छा हाँ, वो 2 लाख ईंटों को मंत्री जी के प्लॉट पर पहुँचाया के नहीं? और सुन, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं चाचा जी, ध्यान रखना। जी जी, राउंड लगाने आ रहे हैं आज। ओके अरे चाचा जी, ओ चाचा जी। हाँ भतीजे, क्या बात है? भट्टे पे चलना है। हाँ हाँ मालूम है, आ रहे हैं। आइए जी। Thank you.
अरे निशा चल कजरी की टांग खींचते हैं। अरे बड़की बहू जी नमस्ते। नमस्ते, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज इधर कैसे आना हुआ? अरे रघु भैया, बाहर खड़े होकर ही बात करोगे या अंदर भी बुलाओगे? अरे पूरे एक साल बाद आए हैं, लगता है अंदर नहीं बुलाएंगे। कजरी। हाँ देखो कौन आया है। अरे बड़की भौजी निशा, तुम लोग बैठो बातें करो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। ठीक है, आप दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है। जब से रघु भैया घर पर आए हैं, अच्छा, तब से मोहन बाबू से मिली नहीं है। सही है, नहीं मिली। क्या बात है कजरी भाभी, तुम्हारे चेहरे का रंग तो बड़ा लाल हो रहा है, लगता है हमारे रघु भैया बहुत खुश रखते हैं। अरे रघु भैया पूरे एक साल बाद आए हैं तो कजरी तो खुश होगी ही। अरे कहाँ बड़की भौजी, मैं तो मोहन बाबू से प्यार करती हूँ, जो मजा मोहन बाबू में है वो रघु में कहाँ। अरे हाँ कजरी भाभी, आज मोहन बाबू मिले थे, बोल रहे थे कि निशा भाभी हमें कजरी भाभी से मिला दो, बहुत दिनों से इधर कजरी भाभी आई नहीं है। तो निशा आपने बताया नहीं कि मेरे पति आए हुए हैं? मैंने उन्हें बोल दिया है, अब हमारे रघु भैया आ गए हैं, कजरी भाभी तुम्हें भाव देने वाली नहीं है, अब हमारी कजरी भाभी तो उन्हीं में उलझी हुई है। निशा जब देखो तब तुम दोनों मेरी टांग खींचने में लगी रहती हो। अरे सब छोड़ो बड़की भौजी, ये बताओ लट्टू भैया क्यों नहीं आते आपके पास? पता नहीं क्यों, जब से प्राची हुई है उनका दिल मेरे पास लगता ही नहीं, आते हैं और तुरंत चले जाते हैं अपने नौकरी पर। कहीं हमारे लट्टू भैया का चक्कर वक्कर तो नहीं है, बाहर कहीं दिल तो नहीं लगा बैठे? नहीं नहीं, अब उनकी उम्र नहीं रह गई है और फिर बेटी भी तो बड़ी हो गई है। अरे बड़की भौजी, हमारे लट्टू भैया का उम्र 55 का और दिल 55 का, और वैसे भी वो हैं भी बहुत रसिया। हाँ। आपके बिना उनका क्या होता होगा? नहीं नहीं वो ऐसे नहीं है। अच्छा बड़की भौजी ये बताओ हमारे लट्टू भैया कहाँ नौकरी करते हैं? पता करके देखो कहीं किसी को पटा वटा तो नहीं रखा, शायद इसीलिए उनका मन आपके पास नहीं लगता। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ नौकरी करते हैं, मैं तो वहाँ जा भी नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती हो? अरे मैं पढ़ी लिखी कहाँ हूँ जो वहाँ तक पहुँच पाऊँ। अरे बड़की भौजी आप क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना, लेकर चलती हूँ। अरे कजरी भाभी तुम कैसे जा सकती हो, रघु भैया पूरे एक साल बाद आए हैं, तुम जाओगी तो क्या रघु भैया जाने देंगे? अरे निशा रघु सोमवार को किसी काम से बाहर जा रहा है, 7 दिन बाद वापस आएगा, तब तक मैं बड़की भौजी को लेकर जाऊंगी और वापस भी लेकर आ जाऊंगी। कजरी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं कहाँ जा पाती। अरे धन्यवाद किस बात का, बड़की भौजी आप भी तो हमारी हो, क्यों निशा? हाँ। अरे बड़की भौजी तुम हो सीधी सादी, तुम इन मर्दों के बारे में नहीं जानती, ये बिन पेंदी लोटा होते कहीं भी लुढ़क जाते हैं। कैसी बात कर रुको भैया। बड़की भौजी इतना भी विश्वास मत किया करो, आजकल के मर्द इतने भी सही नहीं होते। अरे कजरी तू ऐसी बातें मत कर, फिर लट्टू भैया तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, क्या पता किसी नौकरी वाली लड़की से ही टांका भिड़ा लिया हो। अरे भैया थोड़ा तेजी से चलो ना। Cheers. क्या बात है? आप भी लट्टू जी, जब पीते हो तभी याद करते हो, इससे पहले भी कभी याद कर लिया करो। क्या बताएं जाने मन, जब शबाब सामने हो तो शराब का मजा ही कुछ और है।
मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं तेरी बात सच ना निकल जाए। पर मेरा दिल कहता है लट्टू जी ऐसा नहीं कर सकते। आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। इन आंखों में तुम्हारे प्यार की मस्ती है जाने मन। बातें आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। अरे हमसे प्यार करके देखो, फिर पता चलेगा हम क्या क्या करते हैं। क्या कर रहे हो? इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। क्या आप ऐसी बातें अपनी बीबी से भी क्या करते हो? अरे छोड़ो यार, किसका नाम ले दिया। जो बात तुम में है उसमें कहां। अच्छा Have it? अब आप गांव कब जा रहे हैं? तुमको इससे क्या मतलब? अरे हम तुमको छोड़ कर जाने वाले कहां हैं? हम तो यहीं हैं, तुम्हारे पास। वादा करो कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। हम तुमको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वादा है हमारा। रुको रुको भैया, नहीं आगे पूछ लो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आगे पूछते हैं। आगे चलिए। क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सुनिए भैया। नमस्ते। नमस्ते। आप इनको जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, ये तो बड़े रंगीन मिजाज के हैं, यहीं कहीं गपशप कर रहे होंगे। अच्छा हाँ ठीक है भैया, धन्यवाद। ओह, तो ये वजह है तुम्हारी घर में मन ना लगने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में जवान बेटी बैठी है और आप यहाँ रंगरलिया मना रहे हैं। क्यों बड़की भौजी, मैं सही कहती थी ना, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए हमारे लट्टू भैया घर नहीं आते। और तू, तुझे मेरा ही घर मिला था बिगाड़ने को, मेरा ही पति मिला था। चलो मैं तुम्हें घर पे बताती हूँ, तुम्हारा मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं।
अगर आप ये रिश्ता रखना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त ये नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो, नहीं तो हमारा और आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अरे बड़की भौजी, ये नहीं सुधरने वाले, चलो घर चलते हैं। ठहरो मीरा, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे कजरी भाभी, ये तो अच्छा हुआ बड़की भौजी का सारा अंधविश्वास टूट गया। बहुत हमारी टांग खींचा करती थी ना, अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं मारेंगी हमसे। सही बात है। अरे कमलताई को देखो कैसी जा रही है। अब बस कर। कजरी भाभी, काश हमारा भी कोई दीवाना होता। कैसी हो तुम? कौन हो, कहाँ से आए हो और हमारे पीछे क्यों चले आ रहे हो? जब खामोश आंखों से बात होती है, ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत होती है। तेरे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, न जाने कब दिन और कब रात होती है। अरे क्या बात है कजरी भाभी। अरे कजरी, मैं तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मेरे साथ चल। जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। और हाँ, मेरा पीछा मत करना। अरे कजरी, एक बार अपना बना के तो देख, माला माल कर दूंगा। रघु। अरे अनिल भाई, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आओ बैठो। और सुनाइए। बहुत बढ़िया, तुम बताओ? अपना ही बढ़िया है, बस आप आ गए और दिल खुश हो गया। अरे बताइए, आपकी क्या सेवा की जाए? सेवा की जाए? अरे भाई, जो आप सेवा कर देंगे वही है, डिमांड क्या है? कजरे। हाँ अनिल भाई, घर में सब कैसे हैं? नमस्ते देवर जी। नमस्ते नमस्ते। धन्य भाग्य हमारे, आप जो हमारे घर पधारे। वाह वाह, क्या शेर और शायरी की आपने तो। अरे कजरी। हाँ? अनिल भाई आए हैं, कुछ खातिरदारी करो, जाओ लेकर आओ। जी लाती हूँ। भाई रघु, भाभी तो कयामत है यार। अरे यार सुन, अपनी किसी साली से मेरी भी जुगाड़ करवा दे। अरे सब्र करो सब्र करो, करते हैं कुछ। वाह भाई, क्या बात है, सीधा दारोई। अरे अनिल भाई, आप हमारे घर पहली बार आए हो, तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि आपका स्वागत अच्छे से किया जाए। अच्छा जी, भाभी जी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। ठीक है जी, बैठती हूँ। तो फिर भाई बनाइए। आप बनाइए। नहीं आप बनाइए। अरे नहीं आप, आज हम आपके घर पर आए हुए हैं तो बैग आप बनाएंगे। अच्छा चलो हम ही बना देते हैं। अनिल भाई, आपके आने से पहले मैं एक क्वार्टर पी चुका हूँ। अच्छा, और एक पैक पिया तो चढ़ जाएगी। पहले से भी पी रखी है। चीयर्स। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और बता भाई रघु, क्या हालचाल है? बढ़िया है। हम्म, एकदम मस्त चल रहा है। काम दाम सब सही चल रहा है? एकदम मस्त काम चल रहा है। मुंबई से कब आए? कुछ दिन पहले आया हूँ। बाकी अब मुंबई जाओगे वापस या यहीं गांव में रहके काम करोगे? नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। हम्म, अपना कोई काम करूंगा। अच्छा, गांव में काम करोगे तो अच्छा भी रहेगा और भाभी के पास भी रहोगे। अरे अबे क्या यार, अबे ओए रघु, सो गया?
अबे पैक तो बना जी, लुढ़क गए। अरे अनिल जी, अपने दोस्त रघु को समझाइए ना, ये मुंबई क्यों चला जाता है मुझे छोड़कर। इससे बोलो कि यहीं पर रहे मेरे साथ। ए भाई रघु, अबे उठ। अबे यार, इतनी जल्दी लुढ़क गया तू। अरे क्या समझाएं इसको, क्या भाभी छोड़िए ना इसको। अरे तुम इस देवर के पास बैठो पहले। छोड़ो मुझे। क्या छोड़ो,